सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मैं जैसा सुबह वैसा शाम को दिखूंगा, भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने पब्लिक से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर दिख रही है थकान। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की राहुल गांधी और अशोक गहलोत का नसीहत। गुजरात आप चीफ गोपाल इटालिया गिरफ्तार, तुरंत जमानत, भगवान कृष्ण पर विवादित कमेंट करने का आरोप। भारत से चीन की फ्लाइट तुरंत कर देनी चाहिए कैंसिल, कोरोना की खतरनाक स्थिति पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। देश के बड़े गैंगस्टर के खिलाफ एनआईए का एक्शन, हरियाणा पंजाब और राजस्थान में चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी। विपक्ष ने सीएम पर स्लम की जमीन निजी लोगों को देने का आरोप लगाया, शिंदे बोले ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं। तेलंगाना कांग्रेस के संकट मोचक बनेंगे दिग्विजय सिंह, सौंपी गई डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी। असम में सुरक्षा बलों और फाई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, उग्रवादियों की गोलीबारी में एक नागरिक घायल। वकील प्रशांत भूषण का आरोप, जजों को ब्लैकमेल करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है सरकार। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 1.60 लाख पदों पर होगी बहाली, तेजस्वी यादव ने कहा सुधार के लिए तैयार हो रहा है रोडमैप। चौबीस के चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी, 204 कमजोर सीटों की पहचान, इन्हें जीतने की 28-29 दिसंबर को रणनीति बनाई जाएगी। अफसरों का काम, मॉरल पुलिसिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट कपल को परेशान करने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल को राहत देने से इनकार किया। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी का लंच, संसद में हंगामे के बाद भाजपा ने विपक्ष के साथ खाना खाया, कृषि मंत्री ने की व्यवस्थाएं। विदेशी मां से पैदा बेटा राष्ट्रभक्त ही नहीं हो सकता, चाणक्य की बात को दोहराते हुए गीतकार मनोज मुंतशिर बोले प्रॉब्लम डीएनए का है। हिमाचल में भाजपा की हार पर मंथन, दिल्ली में मोदी से मिले जयराम, ओपीएस को बताया हार का बड़ा कारण, भीतघातियों पर होगा एक्शन। इरफान की जेल से बाहर आते ही पुलिस ने नोकझोंक, 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल में 6 घंटे पहुंचेंगे, परिवार को देख आंखों में आ गए आंसू। घरेलू झगड़ा सुलझाने बैठी पंचायत में फूटे सिर, मेरठ में पति पत्नी की सुलह कराने लगी थी पंचायत, दोनों पक्षों में चले लात घूंसे। एयू में तनाव बरकरार, छात्रों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, तोड़फोड़ और आगजनी के साक्ष्य जुटाने की टीमें गठित, खंगाले जा रहे सीसीटीवी। सहारनपुर में अवैध हथियारों के साथ खेत में 50 लड़के, पुलिस निकाय चुनाव से पहले इन लड़कों को ढूंढ रही, वीडियो वायरल हो रहा है।
महिला का नंबर बांटा, वो लोग अश्लील मैसेज कर रहे हैं। ई रिक्शा चालक घर में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने के आरोप। वीसी विनय पाठक ने फिर बनाई, दर्ज कराया बयान। एसटीएफ ने जारी किया था नोटिस, अजय मिश्र जैन के खिलाफ चार्जशीट तैयार। पार्षद के घर चोरी का आरोपी लक्ष्मण गिरफ्तार, मेरठ एसटीएफ बरेली से पकड़ कर लाई पूछताछ में उगला ऑपरेशन मेरठ का हर्राज। आगरा में कमिश्नरेट कोर्ट में होगी सुनवाई, कमिश्नर ने तय किया किस कोर्ट में होगी किस मामले की सुनवाई, अधिकारी भी हुए नियुक्त। देवरिया जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत, 26 नवंबर को जिला जेल में दाखिल हुआ था अख्तर, एक सप्ताह पहले अस्पताल में हुआ था भर्ती। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर गोमती नदी में गिरी युवक युवती की मौत, एक की हालत गंभीर। औरैया में मालगाड़ी से कटकर युवक की मौत, ऑफिस से आने के बाद टहलने गया था, 2014 में हुई थी शादी। झांसी में बस ट्रक की टक्कर, दो की मौत, सवारियां लेकर टीमगढ़ जा रही थी निजी बस, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। मथुरा पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, बागेश्वर धाम से लौटी महिला से छेड़खानी पर पर्स लूट रहा था। ललितपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, मां बेटी सहित चार लोग घायल। हाथरस में सुबह 10 बजे से जाना होगा स्कूल, ठंड और कोहरे को देखते हुए डीएम ने बदला समय, बोली हाईवे पर लगाए रिफ्लेक्टर। चार दिन से लापता युवक का अधजला मिला शव, पिता बोले दोस्त ही बुलाकर ले गए थे फिर मार डाला, दो पर केस दर्ज। बलिया में घूस मांगना पड़ा ग्राम विकास अधिकारी को, भारी वीडियो वायरल के बाद हुई जांच, जिला विकास अधिकारी ने वीडियो को किया निलंबित। दीवार तोड़कर तेल व्यापारी के घर में घुसे चोर, थाना अहमदुल्ला के सुशीन नगर में तेल और रिफाइंड से भरे कार्टन किए गए चोरी। सुल्तानपुर निकाय चुनाव में फुल फेज में उतरेगी आप, सांसद संजय सिंह पदयात्रा, नुक्कड़ सभाएं कर बनाएंगे जमीन। पैसों के लेन देन को लेकर पीट पीट कर हत्या, ढाबा पर काम करने के बाद लौट रहा था युवक, दोस्तों ने सिर पर डंडे से किया वार। कानपुर में हार्ट अटैक से तीन मरीजों की मौत, 17 इमरजेंसी में भर्ती, युवाओं में बढ़ा है इंतजाना पेन। बरेली में अपराधियों की सीसीटीवी से निगरानी, 90 जगहों पर लगाए गए हाई क्वालिटी कैमरे, 6 चौराहे पर 22 कॉल बॉक्स से मिलेगी मदद। बलिया में बीएसएस ने तीन शिक्षकों के अनिलंबित, बीओ को दिए जांच के आदेश, निरीक्षण में तीनों मिले थे गैर हाजिर। फिरोजाबाद में अधिवक्ता हत्या का मामला, मृतक के घर पहुंचे प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, आर्थिक सहायता राशि का दिया चेक। उन्नाव में डीएम ने रैन बसेरों की देखी व्यवस्था, बोली खुले आसमान के नीचे कोई ठिठुरता मिला तो होगी कार्रवाई।
अलीगढ़ में इको गाड़ी में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, टक्कर के बाद दो लोग गंभीर रूप से घायल, अज्ञात वाहनों की तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं रोडवेज बस में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में कलर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बुलंदशहर में एएसपी अनिकृत शर्मा के अवैध मट्टी खनन पर छापामारी, छापामारी में पुलिस ने खनन माफिया के दो गुर्गों को हिरासत में लिया। फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर पप्पू यादव के मकान में चला बुलडोजर, अपराधी पप्पू यादव ने अवैध तरीके से धन अर्जित कर बनाई थी लाखों की संपत्ति। बुलंदशहर में 5,000 के नामे अनिस से पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ अनिस। बेशरम रंग पर बवाल के बाद इंटरनेट पर वायरल हुआ बाबा रामदेव का कार्टून, कार्टूनिस्ट और रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में बड़ी बहन की शादी के लिए रखे थे जेवरात और नकदी, छोटी लेकर हुई फरार, घर वालों के उड़ गए होश। एबीवीपी ने देहरादून में किया सख्ती प्रदर्शन, बुलेट पर पहुंची छात्राएं, उड़ा अबीर गुलाल। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में सक्रिय होने लगा पश्चिमी विक्षोभ, बनी बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिकी विकास परियोजना लॉन्च, मुख्यमंत्री धामी ने कहा गेम चेंजर साबित होगा कीवी। सशक्त उत्तराखंड के रोडमैप पर सरकार की कदम ताल, चिंतन शिविर मिले सुझाव पर मुहर। माता पिता के बाद शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कोविड काल के बाद 2 साल बाद नैनीताल में तैयारियां जोरों पर, मचेगा धमाल, 80% तक एडवांस बुकिंग। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण में राजेश चौहान की जमानत खारिज, चयनित अभ्यर्थियों ने निकाला कैंडल मार्च। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के विशेष कार्याधिकारी राकेश सेमवाल निलंबित, अनुशासनहीनता सहित अनियमितता के लगे आरोप। बाहर से उत्तराखंड आने वाले वाहनों के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, लगाने होंगे पोर्टेबल डस्टबिन। रोडवेज ने 2 दिन में 12 कर्मचारियों को किया जबरन रिटायर, 84 में से 70 को जारी किया गया था नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के दिए आदेश। हरिद्वार के अधिवक्ता ने बिलावल भुट्टो को भेजा नोटिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस दर्ज करने की दी चेतावनी। उत्तराखंड में टिहरी झील में पहली बार होगी नेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, 17 राज्यों के 300 खिलाड़ी लेंगे भाग। इमरान के कथित ऑडियो टेप लीक, 2 महिलाओं से सेक्स पर बातचीत सामने आई, कई जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया टेप।
पाकिस्तान आर्मी ने 33 आतंकी मारे, 40 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा, सोलह मौलवी की बात नहीं माने पर तालिबान। सऊदी सरकार का बड़ा फैसला, एग्जामिनेशन हॉल में अब अबाया नहीं पहन सकेंगी लड़कियां, स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म ही जरूरी। दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों के साथ उड़े अमेरिकी बॉम्बर किम जोंग, उनकी बहन की धमकी बेअसर। अफगानिस्तान में पर चर्चा पर विचरा कंबोज, बोली तालिबान अलकायदा के बीच संबंधों से क्षेत्र प्रभावित। चीन में नया कोरोना वेरिएंट, एक मरीज से 18 संक्रमित, आलू से बच्चों का बुखार उतार रहे माई, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहे मरीज। बयालीस साल पुरानी रूसी गैस लाइन में धमाका, तीन की मौत, यूक्रेन के रास्ते पश्चिमी यूरोप को एनर्जी सप्लाई करती है। झूठा हलफनामा केस में फंसे इमरान, हाईकोर्ट ने पूछा टेरिन व्हाइट आपकी बेटी है या नहीं, 19 जनवरी तक तफसील में जवाब दें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को राहत, 1.7 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज पर विपक्ष से सहमति बनी, इंडस्ट्री डिफेंस के साथ यूक्रेन को फायदा होगा। ब्रिटेन के बैंक नोटों पर होगी किंग चार्ल्स की तस्वीर, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जारी किया डिजाइन, 2024 से शुरू होगा सर्कुलेशन। एक करोड़ 62,000 ट्विटर यूजर्स, बोले मस्क इस्तीफा दे, मस्क बोले ये काम संभालने वाला कोई मूर्ख मिल जाए तो रिजाइन कर दूंगा। हीरो ने लॉन्च किया एक्सप्लस 200T, 4V शानदार स्पोर्टी लुक के साथ मिलेंगे स्मार्टफोन, कनेक्टिविटी और कॉल अलर्ट जैसे कई फीचर। तीन साल में 5.2 लाख ईवी बिकी, 2023 में लॉन्च होंगी 10 से लेकर 60 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारें। विदेश मंत्री से मिले गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बातचीत हुई, जयशंकर बोले मिलकर अच्छा लगा। अडानी वन ऐप हुआ लॉन्च, फ्लाइट टिकट बुकिंग से लेकर मिलेंगी कई सर्विसेज, हवाई यात्रा अपनी फीडबैक भी दे सकेंगे। देश में घट रहे मोबाइल यूजर्स, 2 महीने में 54.77 लाख लोगों ने मोबाइल से बनाई दूरी, जियो नंबर वन पर कायम रहा। बजाज प्लेटिना 110 ABS लॉन्च, 5 गियर वाली बाइक की शुरुआत कीमत 72,224 रुपए, टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर। अर्थव्यवस्था मजबूत और वैश्विक कारणों का पड़ सकता है असर, RBI मुखिया शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो पर फिर जताई चिंता। तेईस में मंदी का सामना कर सकता है चीन, कोविड-19 से लोगों की अर्थव्यवस्था में विश्वास जगा। ट्विटर फेसबुक अमेज़न के बाद गूगल ने भी छठी अल्फाबेट 10,000 कर्मचारियों को निकालेगी। बस की छत से गिरते गिरते बचे मेसी, फैंस बस पर टूट पड़े तो अर्जेंटीना के कप्तान को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। फ्रांसीसी खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणी, फ्रांस फुटबॉल फेडरेशन करेगा कानूनी कार्रवाई, खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त।
एन जगदीशन ऑक्शन में हो सकते हैं मालामाल, सभी फ्रेंचाइजी लगा सकती हैं बोली। आईपीएल में खिलाड़ियों पर प्रेशर को लेकर कपिल देव का विवादित बयान, बोले ऐसे लोग केले की दुकान लगाओ और अंडे बेचो। शाहिद अफरीदी के दामाद बनेंगे शाहीन, फरवरी में अक्सा के साथ करेंगे निकाह। मेसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सीने से चिपकाकर सोए लियोनल की फोटो वायरल, अर्जेंटीना में स्वागत के लिए 40 लाख लोग जुटे। खेल में मेरे लिए धर्म मायने नहीं रखता, हिजाब के सवाल पर बॉक्सर निखत बोली, हमारा लक्ष्य देश के लिए मेडल लाना। रोहित के बाद सैनी भी दूसरे टेस्ट से बाहर, बांग्लादेश के खिलाफ 22 से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 लगभग तय। भारत में वनडे नहीं खेलेंगे विलियमसन और सऊदी पाकिस्तान दौरे के बाद दोनों न्यूजीलैंड लौटेंगे, टॉम लैथम करेंगे कप्तानी। ब्रेन स्ट्रोक्स पर पंजाब किंग्स 11 बड़ा दाव, किसी भी कीमत पर टीम में करना चाहेगी शामिल। मलाइका अरोड़ा ने अटेंशन पाने की कोशिश से किया इनकार, बोली मैं ऐसा जानकर नहीं करती। कपिल शर्मा ने शेयर की रितेश जेनेलिया के साथ फोटो, करिश्मा ने खास अंदाज में किया तैमूर को बर्थडे विश। पठान कॉन्ट्रोवर्सी के बीच शाहरुख ने बढ़ाया देश का सम्मान, दुनिया के 50 महान एक्टर्स लिस्ट में शामिल हुआ नाम। विक्की कौशल ने हेमा मालिनी से किया कैटरीना को कंपेयर, बोली वो हेमा मालिनी की तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। मलाइका ने उड़ाई बहन अमृता का मजाक, टॉक शो में हुआ दोनों का झगड़ा, नाराज अमृता बोली तुमने मेरी भावनाओं को परवाह नहीं की। अंगूर से सर्कस की तुलना करना गलत, मुकेश बोले पहली बार पर्दे पर शांत स्वभाव में दिखेंगे रणवीर, फिल्म में होगा रोहित का स्पेशल टच। समांतर रुतप्रभु ने कई बॉलीवुड फिल्में से किया बैकआउट, बीमारी के चलते क्या फायदा, ठीक होने के बाद ही साइन करेंगी नए प्रोजेक्ट्स। मिशन इम्पॉसिबल 7 का खतरनाक स्टंट, 60 साल के टॉम क्रूज ने एक सीन के लिए 500 स्काई ड्राइविंग की। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए बेयर ग्रिल्स, जिम के बाहर दिखी ईशा गुप्ता, जानवी कपूर फैमिली के साथ नजर आई सनी लियोनी। बेटी मालती के साथ वेकेशन मनाने न्यूजर्सी पहुंची प्रियंका चोपड़ा, फोटोज देख फैंस ने लुटाया पैर, बोले बेटी का चेहरा तो दिखाइए। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।